बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जी हाँ किसान भाई बहनों, हमें कोरोना वायरस को हराना है और खुद को जीत दिलानी है। हम खेतों में काम करेंगे लेकिन एक दूसरे से दूनिया बनाकर, खुद को रखेंगे स्वस्थ तभी तो रहेगा पूरा भारत स्वस्थ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आहार पर दें ध्यान, एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की है जरूरत, मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। पशुपालक भाई, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए दुधारू पशुओं को 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन और छोटे पशुओं को 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन खनिज का मिश्रण दैनिक आहार में मिलाकर खिलाएं। घरों में उपलब्ध गेहूं का चोकर, मकई, खल्ली, खनिज मिश्रण और नमक का उपयोग कर संतुलित आहार का मिश्रण बना लें। यथासंभव हरा चारा भी देते रहें। बेहतर आजीविका और आर्थिक स्थिरता के लिए एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड की मिट्टी क्षरण की समस्या से ग्रसित है और इसके निदान के लिए सतत टिकाऊ कृषि प्रणाली की आवश्यकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली से समाज की मांगों को पूरा करने, मानव स्वास्थ्य और पशु कल्याण को बनाए रखने, पर्यावरण की देखभाल और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने में मदद मिलती है। किसान भाई, झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, इसलिए खेत की तैयारी करते समय मिट्टी में सुधार के लिए चूने का प्रयोग करें। ध्यान रहे, जिस दिन रोपाई करनी है उसके 15 दिन पहले तक चूने का प्रयोग कर लेना है। साथ ही बीज को बोने से पहले उपचारित जरूर करें। अम्लीय मिट्टी में सुधार के लिए 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति डिसमिल के हिसाब से खेत में चूने का प्रयोग करें। साथ ही भूमि में क्यारियों की तैयारी करते समय ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। साथ ही बीज को भी उपचारित जरूर करें। बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। 4 से 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों को इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बरसात का समय है, इसलिए खेत की तैयारी में विशेष ध्यान दें। चूने का प्रयोग अवश्य करें। खेत के अम्लीय भूमि है चूंकि झारखंड की, तो उसके सुधारक के रूप में चूने का प्रयोग अवश्य करें। ये हमें ध्यान देना होगा कि जिस दिन रोपाई करनी है उसके 15 दिन पहले तक आपको चूने का प्रयोग कर लेना है। इसके लिए आपको 1 किलोग्राम से 1.25 किलोग्राम प्रति डिसमिल के हिसाब से आपको चूने का प्रयोग करना होगा। भूमि में जब भी आप क्यारियों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा से यथासंभव उसको उपचारित कर दें, और उसके लिए बीजोपचार भी जरूर करें। बीजोपचार करने के उपरांत ही उसको उसकी बुआई करें। उसके लिए 4 से 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा का 1 किलोग्राम बीज के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा बहार NP46A, पूसा ज्वाला KA2 लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलाएं। बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। साथ ही 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, बागवानी में निकोनी के लिए नूतन खुरपा नाम की कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीट की रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों की रोकथाम के लिए
250 किलोग्राम नीम की खली में 20 किलोग्राम डीएपी मिलाकर खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। तो कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक पे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज हम बातें करने जा रहे हैं टमाटर फसल में कीट व्याधि की प्रबंधन हम कैसे करें। जी हाँ, अपने टमाटर फसल को कीटों से बचाने के लिए हमें किन किन उपायों को अपनाना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। झारखंड में सालों भर टमाटर की खेती होती है, इस दृष्टिकोण से ये बेहतर मुनाफा देने वाली फसल है, लेकिन इसमें एक खतरा रहता है कीट व्याधियों से होने वाले नुकसान का। जब कोई भी फसल की लगातार खेती होती है तो उसमें कीट व्याधियों का भी प्रकोप हो जाता है। खासकर हमारे झारखंड राज्य में जो कीड़े मुख्यतः जो टमाटर में लगते हैं वो फल छेदक कीड़ा है एक, जो कि शुरू की अवस्था में इसके पिल्लू जो होती है फूलों पर रहती है और जैसे फल बनते हैं उसको वो खा जाते हैं, सर्कुलर फूल बनाते हैं, खा करके आधा शरीर अंदर किए रहते हैं आधा बाहर किए रहते हैं। और एक जो पिल्लू जो है जिसको हम लार्वा कहते हैं, कम से कम वो 8 से 10 टमाटर को वो नुकसान पहुँचाती है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस राज्य में होता है तो इसी टमाटर के फल छेदक कीट के द्वारा होता है। कभी आर्द्रता बढ़ जा रही है तो ऐसी परिस्थितियों में देखा जा रहा है कि एक माहू कीड़ा जो है उसका भी प्रकोप हो रहा है। ये बहुत समूह में रहते हैं, छोटे छोटे काले काले से, और ये रस चूसते हैं खास करके मुलायम पत्तियों का, टेंडर का, तना का, और पौधों को ये कमज़ोर करते हैं। और इस राज्य में एक माइट्स का भी प्रकोप देखा जाता है। जो माइट जो होती है वो एक तरह की है, काफ़ी वो नुकसान पहुँचाती है, वो पत्तियों को रस चूसती है, पत्तियों जो है मुड़ जाते हैं। तो मुख्यतः देखा जाए तो ये 4 प्रकार के कीड़े जो हैं हमारे राज्य में अभी के समय में ये लग रहे हैं और टमाटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए बीज बुआई से लेकर फल लेने तक पौध संरक्षण के उपाय चरणबद्ध तरीके से करें। तो सर्वप्रथम तो किसान भाई अपना नर्सरी गिराते हैं, तो नर्सरी को जब गिराते हैं तो उसको कम से कम 10 सेंटीमीटर ऊँचा बेड बनाएं, और उसमें जो आता है एक ट्रोकोडर्मा वेरिडी जीव है उसके 10 ग्राम को 1 kg में बीज मिला के उसको उपचारित कर लें, उपचार करके उसको लगाएं। और सब जब पौधा तैयार हो गया, जब वो मूल ज़मीन पर ले जाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं उखाड़ करके, तो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी कारगर विधि है जो कि हमारे किसान भाई नहीं अपनाते हैं, वो बीजो उपचार कर दें। कहने का मतलब है एक इमिडा क्लोरोपीट की दवा आती है उसकी 7 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी मिला लें, और जब बिचड़ा उखाड़ते हैं तो उसको कम से कम आधे घंटे बिचड़े को जड़ को उसमें डुबा कर रखें और उसके बाद जाकर के मूल ज़मीन में लगाएं। तो इसको लगा देने से ये होगा जो शुरू की अवस्था में जो रस चूसने वाले कीड़े आते हैं तो उसका प्रकोप नहीं होता है, बहुत कम पैसे में एक अच्छा बचाव हो जाता है रस चूसने वाले कीड़े से। किसान भाइयों, यदि टमाटर में सफ़ेद मक्खी कीट लग जाए तो नियंत्रण के लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट दवा की अनुशंसित मात्रा में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। तो किसान भाई खेत में देखें, जाएं सुबह में, वो देखेंगे पत्तियों पर वो बैठी बैठी छोटी छोटी सी मक्खियां होती है और पत्ते पर चटपन दिख रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर ज़्यादा प्रकोप हो रहा है उसका, तो एक दवा आती है किसान भाई थायोमेक्सम, उसकी जो है 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में मिला लें। दवा की मात्रा बहुत ज़रूरी है, उसको मिला करके आप उसको छिड़काव करें। या किसान भाई नीम से निर्मित दवा, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% है तो उसका छिड़काव करें, तो उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, टमाटर फसल में किसी भी कीट के लगने की कितनी संभावना है, इसके प्रकोप का क्या लेबल होगा, ये जांचने के लिए खेत में फेरमोन ट्रैप यानी गंधपाश लगाएं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसान भाई देखें कि उसका प्रकोप हो रहा है, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि गंधपाश लगाएं। और गंधपाश लगाने से ये होता है, किसान भाई अगर लगा देंगे हेलोल्यूर करके, तो इससे उनको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे कीट में कीड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर एक रात में देखें गंधपाश अगर 5 भी लगा दिए 1 हेक्टेयर में, तो अगर उसमें देखें कि 5 कीड़े अगर फंस रहे हैं तो उससे क्या होगा, किसान भाई को ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे खेत में आने वाले समय में कीड़ा लगने वाला है, और उससे उसका बचाव हो जाएगा।
और तो अगर ऐसी परिस्थिति आ गई किसान भाई की कि सारी प्रक्रिया कर लिए वो खेत काम अपना और बहुत ही ज़्यादा कीड़े आ गए खेत में, तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई को अगर दवा भी छिड़कनी होगी है तो खास करके एक दवा आती है स्पाइनोसाइड, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी मिला लें और उसके बाद उससे छिड़काव करें तो उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, टमाटर के पौधों की रोग और कीटरोधी क्षमता बढ़ाकर भी कीट व्याधि के खतरे को कम कर सकते हैं। किसान भाई खास करके नाइट्रोजन फास्फेट पोटास का भी व्यवहार करें। पोटास का व्यवहार करने से पौधों में बहुत सारी जो है मैंने रेजिस्टेंस की क्षमता विकसित हो जाती है और बहुत सारे कीड़े नहीं लगते हैं। और जहाँ तक रही आपने जैविक विधि की बात की है, बहुत अच्छे, चूँकि सब्जियाँ हम लोग खाते हैं अगर उसमें रासायनिक का छिड़काव रहेगा रासायनिक कीटनाशकों का तो हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत उसको नुकसान होएगा। तो रही जैविक विधि की बात, तो खास करके वो सबसे बढ़िया उसमें है नीम से निर्मित दवा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, अगर हम लोग उसका छिड़काव करते रहें खास करके तो उससे भी 2-2 सप्ताह के अंतर पर 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या बाजार में बहुत सारे नीम से निर्मित दवा उपलब्ध हैं उसका भी छिड़काव करें तो उससे बच जाएगा। और अगर किसान भाई आगे चलते हैं तो एक आता है ट्राइकोकार्ड, जिसमें ट्राइकोगर्मा क्यूलिनस की एक मित्र कीट होता है, उसको 1 लाख मित्र कीट, एक कार्ड में 20,000 मित्र कीट के अंडे होते हैं, अगर 5 कार्ड को 1 हेक्टेयर में हम लोग लगा दें और लगाने के उपरांत उसे छोड़ दें और उसे 3-4 प्रति सप्ताह 3-4 बार बदल दें, मतलब बदलने नया लगा दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे जो मित्र कीट के अंडे निकलेंगे और जो फल छेदने वाले कीट हैं उसको खा करके वो नुकसान उसको मार देंगे और इस तरह से हमारी फसल को काफ़ी बचाव हो जाएगा। तो ये सब कुछ विधियाँ हैं, गंधपास है, तो जिससे करने से ये होगा कि हमें कम से कम दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार कीट व्याधियों का प्रबंधन करें तो फसल की क्षति नहीं होगी और अच्छी उपज से अच्छी आमदनी होगी। शिमला मिर्च का स्वाद ही अलग होता है और अगर सब्जी में इसे डाल दिया जाए तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि शिमला मिर्च की उन्नत खेती हम कैसे करें और शिमला मिर्च की खेती से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती से अच्छी उपज और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत खेती करें। उन्नत खेती के लिए सभी चरण में वैज्ञानिक पद्धति का पालन करें। इसकी शुरुआत जमीन का चुनाव और खेत की तैयारी से करें। कुछ लोग तो हो सकता है शिमला मिर्च लगा लिए हों और कुछ लोग अभी लगा रहे हों, तो शिमला मिर्च की खेती दोनों जगह की जाती है। संरक्षित खेती भी होती है जो पॉली हाउस वगैरह में, पॉली हाउस में, नेट हाउस में अप करते हैं, और दूसरा ओपन में भी, खुला खेत में भी होती है। शिमला मिर्च की जब भी आपको खेती करनी हो, किसान भाइयों आपको पता है आप बरसात में खेती करने जा रहे हैं तो बरसात में पानी की अधिकता रहने की संभावना ज़्यादा होती है, तो जब आप खेत की तैयारी करें तो ये देख लें कि नीचे वाली मिट्टी ना हो, मतलब दोन ना हो। ये गर्मी में आप कर सकते थे लेकिन बरसात में दोन जमीन ना हो, ये या वैसा मध्यम ज़मीन जिसमें कि जल जमाव होता है वो ना हो। सामान्यतः टाढ़ ज़मीन पे हम लोग करते हैं और टाढ़ ज़मीन पे भी हम मेड़ बना के करते हैं, मेड़ के ऊपर हम पौधरोपण करते हैं, तो इसका ध्यान रखते हैं कि जल जमाव ना हो। नर्सरी में बीज बोने के लिए उन्नत प्रभेद चुनें। इसमें सामान्य या संकर किसी भी उन्नत प्रभेद का चुनाव अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। उन्नत प्रभेदों की बुआई के से पहले उसे कैप्टन या थीरम दवा से उपचारित कर ले। 3 गहरी जुताई करते हैं और उसके बाद पट्टा चला देते हैं और एक थोड़ा प्रॉपर स्लोप बना देते हैं जल निकासी के लिए, जैसा कि हम लोगों ने बात की। उसके बाद लास्ट जुताई जब आप कर रहे होते हैं तो उस समय खाद भी देना होता है, तो सामान्य तौर पे खाद की मात्रा या तो हम गड्ढा गड्ढा में देते हैं या फिर अगर ओपन कर रहे हैं, मतलब खुले खेत में कर रहे हैं, तब ऐसे छींट देते हैं और लास्ट जुताई के समय हम खाद दे करके जुताई कर देते हैं और पट्टा चला देते हैं, तो उस समय हम कोशिश करते हैं कि 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई खाद हो गोबर की लगभग। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमको अब खेत हमारा तैयार है, 1 महीना पहले बहुत अच्छा प्रश्न किया है संदीप जी ने, 1 महीना पहले आपको नर्सरी लगानी है तो पौधा तैयार करना है। पौधा तैयार करने के लिए आपको किस्म का चुनाव करना होगा, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, तो इसके लिए मुख्य रूप से शिमला मिर्च के लिए जो ओपी वैरायटी, जो खुला है हाइब्रिड नहीं, जो ओपी वैरायटी है वो मुख्य रूप से है आपका कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया येलो,
अर्का गौरव या अर्का मोहिनी, ये झारखंड क्षेत्र में अच्छा करते हैं। अगर आप हाइब्रिड की खेती करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भारत कह के एक वैरायटी आती है, इंदिरा कह के एक वैरायटी आती है, अनुपमा कह के एक वैरायटी आती है, ये इसका आप चुनाव कर सकते हैं। अनुपमा के अलावे भी कई वैरायटी, लेकिन ये झारखंड में अच्छा काम कर रहे हैं। खरपतवार मिट्टी से शिमला मिर्च के पौधों के हिस्से का खाद पानी अवशोषित करके उसके बढ़वाड़ को रोक देते हैं, इसलिए खेत में शिमला मिर्च का पौधा रोपने के लिए एक महीने बाद निकाय गुड़ाई करके मिट्टी में नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा मिला दें, इससे पौधे की बढ़वाड़ और उपज अच्छी होगी। किसान भाइयों एक बात और बता दें कि जब आप किस्म का चुनाव कर लिए तो आप बीज का उपचार जरूर कर। देखिए रोग लगने का दो मुख्य सोर्स है, एक तो बीज और दूसरा जमीन मिट्टी और तीसरा कीड़े मकोड़े लगने के लिए वातावरण। तो बीज से रोग ना लगे इसके लिए आप बीज का उपचार कर लेते हैं। तो बीज का उपचार कप्तान या थीरम से करीब 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज के लिए उपयुक्त होता है, ये बीज का उपचार कर लेते हैं तो बीज जनित रोग नहीं लगता। नर्सरी में पौधा लगा बीज का बुआई करा दिए, लगभग 21 से 1 महीना के बीच में हमारा बिछड़ा तैयार हो जाता है। खेत उधर हमारा इस साइड में तैयार हो रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि कैसे खाद देना है, कैसे पानी जल निकासी वगैरह की संभावना बनानी है, ऐसे करके फिर हमारा खेत तैयार है। अब हम रोपाई करते हैं। अब ये बात है कि आपका बरसात हो सकता है पूरी तरह शुरू ना हुआ हो, तो अच्छा प्रश्न किया आपने, उस समय सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हम पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से सिंचाई पौधा लगाते ही हमको कर देनी है ताकि जड़ उसमें ठीक से मिट्टी पकड़ ले। शिमला मिर्च के फसल को रोग और कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए लगातार उसकी निगरानी करें। शिमला मिर्च के फल के अंदर जाली लगने वाले रोग के लक्षण दिखे तो नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में कोपर ऑक्सीक्लोराइड दवा के घोल के छिड़काव हर 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों रोग और कीड़ा दोनों से बचाना आपको। रोग लगने की जो संभावना जो बीज से रिलेटेड हुई तो आपने सीड ट्रीटमेंट करके कर दिया, हो सकता है उसमें जाली लगे, शिमला मिर्च के अंदर गुदा जाली लगे, तो उसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे करते हैं हर 15 दिन के इंटरवल पे, वो 3 ml 1 लीटर में पानी में डाल करके। और फिर कीड़ा ना लगे इसके लिए हम देखिए सब्जी है, सब्जी में हम ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल रासायनिक कीड़ा मारने की दवा का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो नीम से रिलेटेड नीमिसाइड या हाँ नीम का कर्नेल से रिलेटेड बनता है उसका छिड़काव करें, तो किसान भाइयों आपकी उपज बिल्कुल सुनिश्चित होगी, अच्छी उपज होगी। किसान भाइयों शिमला मिर्च की उन्नत खेती में कृषि वैज्ञानिक की सलाह का पालन जरूर करें, निश्चित रूप से आप अच्छी उपज और बेहतर लाभ लेने में सफल होंगे। देखा ना किसान भाई बहनों, आपसे बातें करते करते कब समय हो गया हमें पता ही नहीं चला। जाने से पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप हमारे कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से। जाने से पहले आप निकालिए फटाफट कॉपी और कलम ताकि आप हमारा पता लिख सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अगले अंक में यूं ही आपके साथ बातों का सिलसिला चलता रहेगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, चौहार।